दोस्तों वेलकम टू पावर रेसर, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और आज हम बात करेंगे ऑल न्यू एमजी हेक्टर प्लस के बारे में। इंडिया में एमजी हेक्टर प्लस को अनवील कर दिया गया है इन 6 सीटर और 7 सीटर ऑप्शंस में। अभी आप देख सकते हैं इसको। इंडिया में एमजी हेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है अगर आप बात करते हैं मिड साइज़ एसयूवी सेगमेंट में, जहां ही कम्पीट करता है टाटा हैरियर से और जीप कंपस से। और फ्रंट के लुक को अगर आप बात करते हैं तो आपको हेक्टर के कंपैरिजन में इसके फ्रंट के लुक को पूरा चेंज कर दिया गया है। फ्रंट के ग्रिल में आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव क्रोम देखने को मिलेगा, जो कि इसको एक क्लासिक डिज़ाइन देता है। हेडलैम्प्स भी देखेंगे आपको ज़्यादा इसमें नैरो हेडलैम्प्स लगेंगे। जो नीचे आपको फॉग लैम्प एरिया है काफ़ी हद तक आपको हेक्टर की तरह मिलने वाला है, लेकिन इसको भी और ज़्यादा रीट्यून किया गया है और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें आपको अब BS6 पेट्रोल और BS6 डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है और 6 स्पीड का DCT ट्रांसमिशन आपको पहले भी मिलता था और अभी भी मिल रहा है। अब बात करते हैं इसकी साइज़ की, क्योंकि इसमें आपको 6 सीटर और 7 सीटर का ऑप्शन दोनों दिए जाएंगे, लेकिन इसके साइज़ को हेक्टर के कंपैरिजन में चेंज नहीं किया गया है। वही सेम साइज़ है इसका जो आपको पहले मिलता था। ये देखिए डिज़ाइन वाइज इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला इंजन है इसका 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि आपको हाइब्रिड के ऑप्शन के साथ मिलता है। 143 PS की पावर है, 250 Nm का टॉर्क है। और डीजल इंजन वही आपको फिएट सोर्स मिलेगा, जो कि आपको जीप कंपास में भी मिल रहा है और अब तो आपको टाटा हैरियर में भी सेम इंजन मिल रहा है डीजल। पावर फिगर 170 BHP, 350 Nm टॉर्क। साइड की प्रोफाइल गाड़ी की कुछ ऐसी है। बाकी इंटीरियर में आपको मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में, इसमें आपको 6 सीटर का ऑप्शन अभी दिखाया गया है, जो कि ऑटो एक्सपो में इसको अनवील किया गया है। सीट्स इसकी आपको फुली लेदराइज मिलने वाली है, टैन फिनिश दिया गया और बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगती है। और फ्रंट का जो डैशबोर्ड एरिया है वो आपको सिमिलर मिलने वाला है, जो कि आपको मिलता है हेक्टर के अंदर। 10.4 इंचेस की आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलती है और एक आपको मिलती है इसमें पैनारोमिक सनरूफ, जो कि ये कुछ आप देख पा रहे। अलॉय व्हील्स आपको वही 17 इंचेस के इसमें अभी भी ऑफर किए गए हैं। डिज़ाइन को यहाँ को चेंज नहीं किया गया, क्योंकि ये अपने में ही पहले ज़्यादा अच्छा दिखता था, जो कि अभी भी है। ऑल फोर व्हील्स में आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिलेंगे। ये कुछ देख रहे हैं आपकी साइड की प्रोफाइल को। अभी MG अपनी ग्लॉस्टर को भी इंडिया में अनवील करने वाली है, जो जिसकी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये एक 6 सीटर ऑप्शन अभी इसको अनवील किया गया, तो ग्लॉस्टर तो एक फुली 7 सीटर एक SUV है। आप देख रहे हैं इसके रियर के डिज़ाइन को। सबसे बड़ा चेंज आपको इसमें एक मिल रहा है, ये लिख रहा है हेक्टर प्लस की आपको पीछे बैजिंग मिलती है। MG का लोगो आपको मिलने वाला है। ये है इसकी पूरी डिज़ाइन। अब आप कहेंगे साइज़ तो सेम है लेकिन इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया गया है, तो काफ़ी सारे चांसेस है कि इसका जो बूट स्पेस है वो थोड़ा सा कम आपको मिले कंपैरिजन टू हेक्टर। तो अगर आपको सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए तो आप जा सकते हैं हेक्टर की ओर। अगर आपको सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए तो आप जा सकते हैं हेक्टर प्लस की ओर, और अगर आपको अच्छा बूट स्पेस चाहिए तो आप जा सकते हैं MG जिसके सामने है, MG हेक्टर प्लस के सामने। ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस भी अभी भी आपको सिमिलर ही इसमें मिलने वाला है, ज़्यादा चेंजेस यहाँ भी आपको नहीं है। और अगर आप ORVMs के डिज़ाइन और ये सब कुछ देखते हैं तो ORVM आपको वही स्लीक ORVM इसमें भी अभी भी मिल रहे हैं। ये है इसकी फ्रंट की पूरी प्रोफाइल। ये देखिए डिज़ाइन वाइज अगर मैं बात करूँ तो ये है नैरो से आपको देखिए इसमें पूरे हेडलैम्प्स मिलते हैं, जो कि थोड़े बहुत आपको हैरियर की इसमें याद दिला सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा उससे एक अलग करेक्टर के साथ आते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे मेन आपको इसमें हेडलैम्प्स दिए गए हैं, या आप इसके कॉर्निंग फंक्शन वाले देख सकते हैं, या पियानो ब्लैक फिनिश के साथ पूरा असेंबली इसमें दी गई है। वहीं अगर आप इसकी फ्रंट की ग्रिल देखेंगे, यहाँ पर आपको वूलिंग अलमास से इंस्पायर्ड पूरी, जो इनकी इंटरनेशनल SUV है, वूलिंग अलमास से पूरी डिराइव करी हुई फ्रंट की ग्रिल एलिमेंट मिलता है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको आगे मिलते हैं और ये कुछ है आगे आपको देखिए सिल्वर एक्सेंट्स दिए गए प्रॉपर। ये है गाड़ी का देखिए प्रॉपर डिज़ाइन। और अगर मैं बात करूँ इसकी साइड की प्रोफाइल तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ कैसी इसकी साइड की प्रोफाइल है। एक बार इसके इंटीरियर्स में चलते हैं, वहाँ बात करेंगे क्या है। ये है इसके इंटीरियर्स, देखिए इंटीरियर वाइज देखेंगे तो ये है इसके इंटीरियर्स। वही स्टेयरिंग दिया गया है, 10.4 इंचेस की वर्टिकल स्क्रीन अभी भी मिलती है। यहाँ पर आपको बढ़िया लेदराइज फिनिश दी गई है प्रॉपर। और ये सीट्स आप सब कुछ देख रहे हैं, आपको इसमें 6 स्पीड का DCT ट्रांसमिशन मिलता है, 7 स्पीड नहीं किया गया, अभी भी 6 स्पीड है, सही है। एक 6 शिफ्टर है एक तरीके से अपने सेगमेंट का। क्रोम की आपको स्ट्रिप मिलती है ORVM ये आपके डोर हैंडल्स में। और अगर आप देखेंगे इसकी थर्ड रो की सीट्स को, तो ये कुछ आप देख रहे हैं इसकी थर्ड रो की सीट्स को, जो कि आपको अभी विजिबल हो पा रही होंगी। थर्ड रो की सीट में ये 2 लोगों के लिए पीछे थर्ड रो की सीट दी गई है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको दी गई है बिजनेस क्लास सीट्स, जिसमें आप 1 पैसेंजर 2 पैसेंजर बीच में 2 आर्मरेस्ट देख सकते हैं। सीट्स आपको सिमिलर है जैसे इंडिया में आपको एक
सिक्स सीटर का ट्रेंड चला है बिजनेस क्लास में, एक्सेल सिक्स में भी यही आपको मिल जाता है विथ वेरी लेस प्राइस, ऐसा कुछ आपको मिलेगा। पीछे का अगर आप टेल लैम्प्स देखें तो डिज़ाइन कुछ ऐसा मिलता है, शार्क फिन एंटीना और ये सारी एक्सेसरीज आपको दी गई है। अब मैं आपसे क्या डिटेल कवर करूँ, इसमें आपको वही आई नेक्स्ट स्मार्ट 2.0 का सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन अभी इसको रिवील नहीं करा है कि आई नेक्स्ट 2.0 आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इंटरनेट इनसाइट की बैजिंग आपको इसमें दी गई है, ये कुछ देख सकते हैं आप, क्योंकि ये आप देख रहे हैं इसके टेल लैम्प्स को। इनको मैं अभी नहीं चला सकता हूँ क्योंकि इसकी अभी ओपनिंग का कुछ भी ओपन नहीं है, ये गाड़ी बिल्कुल लॉक्ड है। तो जैसे ही अनलॉक होती है आपको दिखाई जाएगी। इस साइड से देखेंगे, ये देख रहे हैं आप इसके पूरे डैशबोर्ड को। तो आप बताइए इसमें कुछ अगर चेंज आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मैं इसमें सच कोई चेंज नहीं देख पा रहा हूँ, कोई चेंजेस मैं नहीं देख पा रहा हूँ ऐसा। बाकी सीट्स का थोड़ा बहुत इसमें शेड का अंतर हो सकता है, और साइड में भी वही सब कुछ है। इन्फिनिटी के आपको इसमें साउंड सिस्टम मिलता है जो सिमिलर है। तो ये कुछ है, कंक्लूजन यही है कि अगर आपको सीटिंग कैपेसिटी चाहिए तो आप हेक्टर प्लस में जा सकते हैं, अगर आपको अच्छा बूट स्पेस चाहिए तो आप जा सकते हैं हेक्टर के अंदर। तो ये है MG हेक्टर प्लस का एक छोटा सा रिव्यू, और टायर साइज 17 इंच का है जो कि सही लग रहा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ज़्यादा छोटा भी नहीं है। और ये इसका एक तरीके से एक लॉन्च था, कल इनकी ग्लॉस्टर लॉन्च होने वाली है तो उसकी वीडियो के लिए अभी थोड़ा वेट कर सकते हैं। और अगर आप पैनोरामिक सनरूफ देखेंगे तो ये देखिए इसके पैनोरामिक सनरूफ को, वही सेम है जो आपको मिलती है MG हेक्टर के अंदर, कोई भी चेंजेस नहीं है। और अगर आप बात करेंगे उस रूफ रेल्स की, तो रूफ रेल्स कुछ ऐसी इसमें दी गई है। मैं आपसे बात कर रहा था इसके BS6 होने की, तो ये इसका सबसे बड़ा अपडेट है। इसमें आपको मिल जाता है हाइब्रिड का ऑप्शन, ये भी इसका अच्छा ऑप्शन है जो आपको पहले से मिलता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा ऑप्शन यही है कि ये अभी 6 सीटर और 7 सीटर हो गई है। तो वीडियो को यही एंड करते हैं, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और MG हेक्टर और हेक्टर प्लस की जो फैमिली बन चुकी है उसके बारे में आपकी क्या ख्याल है उसके बारे में हमें बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।